फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपने देखा होगा बहुत सारे वेबसाइट में, जैसे अमेजोन एफिलिएट बार वगैरह जो मार्केटिंग वेबसाइट है, उसमें एक स्लाइडर होता है। जैसे बेबी प्रोडक्ट, कोई बेबी प्रोडक्ट हो, जो दो चार प्रोडक्ट हो जो स्लाइड करते रहते हैं, दो तीन प्रोडक्ट हो, उसके अंदर बटन भी होता है, टेक्स्ट भी होता है, इमेज भी होता है। तो ऐसे कोई स्लाइडर कैसे फिट करते हैं वेबसाइट में, मेरे ख्याल से अभी तक का बेस्ट वीडियो होगा। मैं स्लाइडर का जो ये प्लगइन के बारे में बात करूंगा, जिसके बारे में अब मैंने सेट करके दिखाऊंगा, इजी होगा, एकदम इजी, और इसको परफेक्ट होगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपका इच्छा है, आपका वेबसाइट में स्लाइडर अब यूज़ करोगे, तो इस वीडियो को टोटल देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं पहले स्टार्ट करने से पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ। आपका जो थीम है, अगर पेड थीम होगा तो आप सारी चीज़ सही से फिट कर पाते हो, लेकिन आपके अगर फ्री थीम है तो उसमें बहुत सारे फीचर्स नहीं होता, बहुत सारे सेटिंग्स वगैरह नहीं होता। तो लेकिन ये प्लगइन्स आपको कहीं से भी, आप कहीं भी फिट कर सकते हो। ये प्लगइन इसीलिए मेरे को अच्छा लगा। तो प्लगइन मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे बेस्ट प्लगइन है स्मार्ट स्लाइडर 3 है, और ये रेस्पॉन्सिव प्लस स्लाइडर प्लगइन है, नेक्स्ट टेंट का है, और इसमें 5 स्टार रेटिंग देख लो, 8 लाख के ऊपर है, लेकिन 5 स्टार। क्यों? ये सारे जो फ्री का फीचर है ना, तो बेस्ट है। मतलब जो पेड में फीचर है वो फ्री में है। अच्छा, जो भी है, अब इसको कैसे सेट करते हैं मैं बता देता हूँ आप लोगों को। पहले से मैंने डाउनलोड करके रखा था, मतलब एक्टिव करके रखा था। इसको आपको जब सेटिंग के नीचे स्मार्ट स्लाइडर दिख रहा है, इसको आपको ओपन कर लेना है। बहुत ही इजी स्टेप है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप स्लाइडर का सेटिंग करना पूरा सीख जाओगे। गो टू डैशबोर्ड। अगर किसी को इंग्लिश ठीक ठाक आता है, तो जो ट्यूटोरियल मैं पहले दिखा था नहीं ना, तो उसको देख लेना, उसमें से आप पूरा सीख जाओगे। अब इसमें आपको जाना है न्यू प्रोजेक्ट में। इसमें दो ऑप्शन है, व्हाट यू वांट टू क्रिएट टुडे, ठीक है, इसमें टेम्पलेट है और इसमें क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। मैं टेम्पलेट के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। टेम्पलेट में आपको, इसमें पेड है, फ्री है, सब कुछ है। तो इसमें फ्री का तो यूज़ करो, तो फ्री के बारे में बात करेंगे। तो फ्री में जितना सारे स्लाइडर देख रहे हो, उसमें बहुत सारे स्लाइडर है। आप ये ऐसे बना सकते हो, जो टेस्टिमोनियल होता है वो बना सकते हो, आप अमेजोन का प्रोडक्ट वगैरह बना सकते हो, प्रो ऑनली बता रहा है, प्रो ऑनली। तो फ्री में जितना है आप उसमें यूज़ कर सकते हो और एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आज एक न्यू स्लाइडर बना के दिखाऊंगा आप लोगों को। फिर गो टू डैशबोर्ड, न्यू क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट, क्यूट ए न्यू प्रोजेक्ट में जाऊंगा, और यह स्लाइडर ठीक है, ये सिंपल है, बाकी प्रो है, लेकिन ये सिंपल में सारी चीज है। तो मैं इसको क्रिएट करता हूँ। अभी आपको ये 3 स्लाइडर दे रखे हैं, आप ज़्यादा भी कर सकते हो। मैं 3 स्लाइडर, अभी ऐड स्लाइडर में आपको क्लिक करना है और ऐड इमेज जाना है। इमेज आपको जो लाइब्रेरी में वो मिल जाएगा। यहाँ से मैंने 3 को इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और ये मेरा बन गया स्लाइडर। कितना सिंपल है। अभी इसको आपको एक काम करना है, ये जो कोड है ना, ये जो नीचे से आपको बन गया, और आपको इस सेक्शन को क्लोज करना है, ठीक। ये ऑटोमेटिक सेव हो गया, स्लाइडर बन गया। इसमें प्रोजेक्ट जो नेम है, इसको प्रोजेक्ट नेम को आप, प्रोजेक्ट जो नेम है इसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसको नाम माई प्रोजेक्ट दे दिया, आप इसको चेंज कर सकते हो। तो इसमें शॉर्टकट में आपको शॉर्टकट को उठाना है, और आपको जाना है ऑल पेज में। जैसे मैं, अब मेरा सिंपल पेज, ये मेरा एक बात ऐसे, मैं ऐसे ही इसको डोमेन होस्टिंग ले लिया जस्ट ट्यूटोरियल देने के लिए। तो इसको सिंपल पेज में मैंने होम पेज बना दिया। तो इसको जैसे आपको जो भी आपका, अगर आर्टिकल का पोस्ट के ऊपर जो पोस्ट वगैरह है, तो उसमें भी आप स्लाइडर ऐड कर सकते हो। जैसे आर्टिकल के बीच में कोई अमेजोन का प्रोडक्ट हो गया, उसका 2-3 आपका इमेज देना है, तो उसमें स्लाइडर ऐड कर सके आप, इसको कर सकते हो, ऑटोमेटिक स्लाइड होता रहेगा। मतलब मैं वो भी दिखाता हूँ। तो इसको एडिट करना है। एडिट करने बाद जो पेज है ना, उसके नीचे ही आपको उसको अगर जहाँ फिट करना चाहते हो, उसी हिसाब से मैं फर्स्ट में दिखाना चाहता हूँ, तो यह फिट करूँगा। ये जो प्लस बटन है, इसको आपको प्लस करना, और इसमें देखो स्मार्ट स्लाइडर का ऑप्शन आ गया, इसमें क्लिक करना है, और सिलेक्ट स्लाइडर में आपको क्लिक करना है। तो आपने जो अभी अभी बनाया, अच्छा ये क्यों दिख रहा है पता नहीं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। अच्छा, इसको आपको क्लिक करना है, इंसर्ट करना है, तो शायद दूसरा वाला आ गया, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मैंने रिफ्रेश नहीं किया था, तो इसमें एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं। अच्छा, रिफ्रेश करने के बाद ये ठीक है, अब ये स्मार्ट स्लाइडर 5 आ गया। इस कोड को कॉपी करना है, और मैं एक बार पेज में जाता हूँ और एक बार देखता हूँ, लेकिन इसमें अभी तक नहीं आया कुछ भी।
मैं पेज को शायद रिफ्रेश नहीं किया। अच्छा, इसमें एडिट जाऊंगा अभी। एडिट जाने के बाद पिछले बना के मैंने थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया था इसको आप लोगों को दिखाने के लिए। तो सिंपल पेज में मैं इसको करता हूँ एक बार एंटर, और एंटर के प्लस बटन में क्लिक करूँगा और इसमें स्मार्ट स्लाइडर में जाऊँगा और इंसर्ट स्लाइडर में देखता हूँ। अच्छा, आ गया ये प्रोजेक्ट 5 और इसको करना है अब इंसर्ट। जैसे इंसर्ट करोगे आपको अपडेट में क्लिक करना है। क्लिक करने में आपको व्यू पेज में एक बार जाना है, देख लेना है कैसे बना है। तो यहाँ का काम खत्म। उसमें बार बार इसको देखना है और उसमें सेटिंग करना है, और इसमें रिफ्रेश करोगे तो दिखाई देगा। देखो स्लाइडर बन गया मेरा। अब इसमें स्लाइडर इतना अच्छा बनता है, ठीक है। अभी इसको सारी चीज़ कर सकते हो, बटन लगा सकते हो, टेक्स्ट लगा सकते हो, आप अमेजोन का लिंक लगा सकते हो, कोई भी ब्लॉग पोस्ट का लिंक लगा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो इसमें। तो सारी चीज़ बताता हूँ मैं अभी मेरा। पहले मैं इसको इसको बारे में थोड़ा कंट्रोल के बारे में बताता हूँ, फिर मैंने स्लाइडर कैसे एडिट करते हो बताता हूँ। पहले इसको बारे में तो ये जनरल है, इसमें कुछ नहीं है। इसको प्रोजेक्ट नाम वगैरह चेंज कर सकते हो। साइज़ में बताता हूँ, साइज़ में आपको इसमें साइज़ चेंज कर सकते हो, आपका जो ब्लॉग पोस्ट के हिसाब से आप कर सकते हो। आपको हेडर में लगाना है तो हेडर साइज़ के हिसाब से कितना पिक्सल है वो भी लगा सकते हो, ठीक है। आपको पोर्ट्रेट चाहिए, लैंडस्केप चाहिए, वो भी इसमें ऑप्शन है। और इसमें बॉक्स चाहिए, बॉक्स टाइप का चाहिए, फुल विड्थ, फुल विड्थ बोला तो पूरा स्क्रीन से इधर से उधर पूरा दिखता है जो, उसको बोलता है, ठीक है। अब इसमें कंट्रोल में देखता हूँ, कंट्रोल में आपको ड्रैग है, माउस व्हील, माउस व्हील मतलब कीबोर्ड जैसे होता है ना, और एरो में एरो जो दिख रहा है, जो बटन होता है, दोनों साइड में जो बटन होता है, जो उसमें स्लाइड होता है इधर उधर करता है, वो बटन वगैरह है इसमें है। इसमें थोड़ा कलर चेंज कर सकते हो आप, और इसमें खास कुछ मैं नहीं दिख रहा हूँ। उसके बाद एनिमेशन में देखता हूँ, एनिमेशन में भी कुछ नहीं है। इसमें एनिमेशन ड्यूरेशन जो एनिमेट होता है, अगर कोई एनिमेट वगैरह फिट करते हो, एनिमेशन इमेज वगैरह, तो ओरिजेंटल है, और इसमें क्या है वर्टिकल है, तो ओरिजेंटल ठीक है। और ऑटो प्ले में, जैसे ऑटो प्ले में उसको उसको ऑन करोगे ना, तो 800 मिली सेकेंड है दिख रहा है ना, इसको मैं सॉरी इसको मैं क्या करता हूँ सेव कर देता हूँ। ऑटो प्ले में क्या होता है, जैसे वो स्लाइडर अपने आप 800 मिली सेकेंड, 8000 मिली सेकेंड, इसमें 10 मिली सेकेंड भी कर सकते हो सेकेंड में, ऑटोमेटिक स्लाइड होते रहेगा वो, ठीक है। बाकी इसमें खास कुछ मैं सेटिंग नहीं दिख रहा हूँ। तो अच्छा, स्लाइड डिज़ाइन है तो इतना बहुत है, ठीक है। अभी मैं मेन काम करता हूँ, अब स्लाइड को कैसे एडिट करना है। कोई भी एक स्लाइड ले लेता हूं मैं। अच्छा, इसको क्या कर सकते हो आप, इसमें आप जैसे जूते की कोई भी एक ऑप्शन को हाईलाइट कर सकते हो। देखो आप सोच रहे हो जूते को मेरे को आगे वाला हिस्सा दिखाना, तो यह क्लिक करोगे तो हाईलाइट ही इधर हो जाएगा, ठीक है। स्टाइल में जाना है, फर्स्ट में स्टाइल में जाना है, और यहाँ देखो कहीं भी हाईलाइट कर सकते हो, एक हो गया। अभी कंटेंट में आप टाइटल्स, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल, लिंक सब लगा सकते हो। वो कैसे लगाना है एक एक करके बताता हूँ। तो इसमें स्लाइड में आप इसको साइज यहाँ से पकड़ के थोड़ा साइड इधर उधर कर सकते हो, यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। और मैं इसमें बताता हूँ, पहले आपको ये जो प्लस बटन है इसके नीचे एज दिख रहा है, इसमें क्लिक करोगे तो मैंने यहाँ लिख दिया शू, ठीक है। देखो ये शू हो गया, इसको थोड़ा कैपिटल करके अच्छा नहीं दिख रहा है, शू। तो इसमें क्या है, देखो ये हो गया आपका हेडिंग, हेडिंग को आप थोड़ा ऊपर नीचे कर लो, हेडिंग हो गया। तो हेडिंग के बाद आपको देना है कुछ टेक्स्ट, मतलब जूते के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन देना है। तो ये टेक्स्ट बटन इसको उठा कर ड्रैग करके यहाँ नीचे लाना है। अब इसमें कुछ भी लिख सकते हो जूते के बारे में, जूते क्या है नहीं है सब कुछ लिख सकते हो। अब जो बटन का यूज़ करोगे, अगर बटन देना है तो ये नीचे वाला जो बटन वाला दिख रहा है इसको बटन को इधर फिट करना है। और इसमें मैं मोर की जगह लिखता हूँ बाय नाउ, बाय नाउ लिखा तो देखो ये बाय नाउ का ऑप्शन आ गया। अभी जूते के बारे में आप बाय नाउ के इसमें जैसे क्लिक करोगे ना, तो ये लिंक वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसमें आप अमेजोन का लिंक लगा सकते हो, ठीक है, या आप और कुछ लगा सकते हो तो लगा सकते हो। तो मैं इसको कर देता हूँ सेव। तो मेरा एक स्लाइड हो गया कम्प्लीट, ठीक है। अभी मैं इसको एक बार प्रीव्यू देखता हूँ कैसे दिख रहा है, रिफ्रेश करूँगा। देखो इसमें शूज आ गया, आप टेक्स आ गया, बटन आ गया, तो इसको आप सेट कर सकते हो। आप एक एक स्लाइड को उठा के सेट करते हो, अमेजोन का प्रोडक्ट लगा सकते हो। बहुत अच्छा चीज़ है, मतलब ये प्लगइन मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, ठीक है। तो अगर कोई कमेंट हो तो इमेज, इसमें इमेज ऐड कर सकते हो, और भी एक इमेज साइड में ऐड कर सकते हो, सेक्शन ऐड कर सकते हो। सेक्शन ऐड में जैसे ये प्लस ये सेक्शन है रॉ, इसमें सेक्शन ऐड करके आप इमेज ऐड कर सकते हो। मैं इतना नहीं दिखा रहा हूँ कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप तो ये बहुत ही ईजी है, ड्रैग एंड ड्रॉप है, आप प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे। मेन जो चीज़ है मैं सारी चीज़ बता दी आप लोगों को।
तो अगर किसी का ये वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर जरूर करना, एक लाइक तो देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।